नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हेलो, मैं रामनगर कोलियरी के जितने भी मजदूर हैं चासनाला के, सभी मजदूरों का हाजिरी नहीं बन पा रहा है, तो उन लोगों ने आज रामनगर कोलियरी में धरना प्रदर्शन किया है जो कि टीएमसी के बैनर तले है। तो आप मजदूरों का हक उसे किस तरह से दिलवाएंगे? देखिए, मजदूर जो भी आज मांग किया है ये एकदम सही मांग है। हमारा लड़ाई, हमारा यूनियन, हमारा पार्टी ये लड़ाई में पूरा पूरी शामिल है। ताकि लॉकडाउन का पीरियड में आप झारखंड बॉर्डर पार करके कोई भी वर्कर जा नहीं सकते, पूरा जाना जाना सब तो बंद हो गया रहा। ऐसा ई सी एल का भी प्रॉब्लम रहा, ई सी एल तो सबको हाजिरी इधर लिया कुलियर में, तो रामनगर जब कुलियरी सम्मिलित तो है, चार तरह का वर्कर यहाँ काम कर सकता आराम से। ताकि लॉकडाउन का पीरियड में यही सब चिंतक रहा और ऊपर से सबका ऑर्डर भी है। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे रहें, एलडीएम को लिखे रहें, एलडीएम किसी भी भेजा है यहाँ ये सब फैसला करने के लिए। आप एटेंडेंस करेगा नहीं, हाजिरी देगा नहीं, ये सब चलने नहीं लेंगे। और मजदूर का लास्ट राइट यही है, क्या होगा? आज धरना चल रहा, कल बंद होगा। आप तो किसी को तो जान में अपमान नहीं लीजिएगा, लेकिन लड़ाई जारी रहेगा। लड़ाई कब तक जारी रहेगा? जब तक मजदूर का मांग ये लोग नहीं मानेगा तब तक लड़ाई चलेगा। कहीं हम लोग बोलेंगे नहीं मैनेजमेंट को किसी को मार दो, ऐसा नहीं, लेकिन लड़ना छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़का अदा ही करेंगे। तो ऐसा रामनगर कोलियरी में ही क्यों, जबकि इन लोगों का ड्यूटी तो चासना नहीं है? ऐसा उचित नहीं है, ये लोग मनमर्जी कर रहा, उचित नहीं है। तो मजदूर तो ये सभी मजदूर चासनाला के हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन जो है रामनगर कोलियरी में दिया गया है, तो ऐसा क्यों? रामनगर कोलियरी और चासनाला ये जो डुबली है ये तो इसको का ही है, सेल का यूनिट, सेल का यूनिट है, वहीं पर कर रहा है। धन्यवाद। यूवी की आज खुद से हमारे माननीय कुलटी के विधायक उदय चटर्जी और कुलटी ब्लॉक प्रेसिडेंट महेश्वर मुखर्जी आए और तमाम मजदूरों से मिले और यहाँ पे और एक खुशी के हमारे जो सीनियर नेता हैं तृणमूल के गणेश घोष और मधुदा और उनके भी टीम पूरा आज हमें समर्थन में खुल के आ गए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका आंदोलन और हम लोग तेज करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे तृणमूल पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं, उसके बाद हमारे जो यूनियन के बड़े नेता हैं, सब शामिल हो रहे हैं और हमें इसके बहुत हिम्मत मिल रही है कि हम लोग इसके मजदूरों का हक जिताएंगे, दिलाएंगे। और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, यहाँ का प्रबंधक को, कि जिस तरह वो कुंभकर्ण के नींद सो रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम लोग धरना हम लोग का आगे चलते ही रहेगा। और अगर हम लोग जो डिमांड हम लोग का पूरा ना हो, हमारे सीनियर नेता अभी जाके जीएम से बात करेंगे, अगर हम लोगों का बात नहीं माना जाए तो हम लोग इसका आंदोलन और भी तेज करेंगे और शांतिपूर्वक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। अच्छा, यहाँ पे धरना प्रदर्शन सिर्फ ड्यूटी आवर तक रह रहा है या आगे तक भी चल रहा है? आगे तक चल रहा है, ड्यूटी आवर तक, शाम तक चल रहा है हम लोग का, कंटिन्यू मतलब चल रहा है। का नाम क्या होगा? मेरा नाम अरमान खान होगा, तृणमूल यहाँ के काउंसिलर खालिद खान के भाई हुए, अरमान खान है। कि ये एक सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था में आप कहिएगा हिटलर शाही तो ये हिटलर शाही वाला संस्था नहीं चलेगा। प्रजातंत्र में अपनी बात को रखने का, वो मजदूर हो या गरीब हो या कोई भी व्यक्ति हो, प्रजातंत्र में सभी को अधिकार अपना बात रखने का। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 52-55 मजदूर कल से ही इस गेट के पास आंदोलन शुरू किया है, लेकिन जीएम साहब जो है अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, अभी तक इस पर, इस विषय पर कोई कार्रवाई या कोई बात करने के लिए अभी तक जो मजदूरों का यहाँ नेता है अरमान खान, हमारे सीनियर है, बुजुर्ग नेता है गणेश दा, उज्जवल दा के नेतृत्व में सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई भी यहाँ के प्रति जीएम साहब का
कोई सोच नहीं है कि मजदूरों के हक में क्या करे या कैसे इनका डिमांड पूरा करे। का नाम क्या हो? बुरा खान, कलानीसरी आंचलिक कमेटी सभापति और आसनसोल माइनॉरिटी सेल के ऑब्जर्वर। MLA साहब यही कहा है जो हम लोगों को जो डिमांड है, जैसे पूरा भारत में 23 मार्च से लॉकडाउन हुआ, हम लोग इसी तरह में माने बॉर्डर पास नहीं कर सकते, इसलिए जब दूसरा जैसे कोल इंडिया का हुआ जो दूसरा बॉर्डर क्रॉस नहीं करने सका, यहाँ पर अटेंडेंस हो रहा, लेकिन हम लोग विधायक उद्योग दा को पास भी गया जो हम लोगों को भी क्यों नहीं होना चाहिए, हम लोगों भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, तो हम लोगों को इसको कुछ विधान करिए, तो जो ये है जो नज़दीके पड़ रहा है अटेंडेंस दीजिए, तो अटेंडेंस आपको कुछ दिन ई करके यहाँ पर बंद कर दिया, बोला लॉकडाउन तो अभी तो क्लियर हुआ ही नहीं, अगर क्लियर होता तो बुढ़ार क्लियर हो जाता, हम लोगों को आने जाने का कुछ सुविधा हो जाता, अभी ट्रेन बस कुछ है ही नहीं, अब जाए तो जाएगा कौन चीज के जाएगा, पैदल में जाएगा आदमी। तो यहाँ के प्रबंधन से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो यहाँ के प्रबंधक है? हाँ, यहाँ पर हम लोग यही चाहता है जब तक नहीं क्लियर होगा हम लोगों को अटेंडेंस बनाइए, यानी हम लोगों को आने जाने के लिए कुछ सुविधा दीजिए, और जो हम लोगों को जो अभी तक नेक्स्ट मंथ से पैसा ये हुआ नहीं, बहुत परिवार फैमिली का, आप लोग का पेमेंट कब से नहीं हुआ? आप अप्रैल से कोई पैसा घुसा नहीं। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप बाहरी। किस पद में आप? हम कुलियरी में ऑपरेटर का पद में है, कन्वेयर ऑपरेटर में। हम टीएम से करता है, तृणमूल यूनियन में भी है, पार्टी में भी है, ठीक है, रामनगर में टीएम से हम देखता है। टीएमसी का झंडा जब फैल गया इसमें, तो जब चटर्जी आके हम को भी बोला जी दादा आप तो है यहाँ पर, तो थोड़ा क्या है अब देखिए, तो हम यहाँ पर आया, तो हम ही लोग को वर्कर लोग को हम पूछा जब लोग क्या चाहते हैं, तो ये लोग बोला जे हम लोग तो है तो लोकल और हम लोग नौकरी करता है चासना है, वो तो हमारा जानकारी है, हम तो जानकारी है सब जमी देखे हम लोग सब या डेथ कोटा और जमी देखे हम लोग का नौकरी हुआ। तो ऐसे तो लॉकडाउन पीरियड है, तो लॉकडाउन पीरियड में हम लोग का हाजिरी होता था, मतलब हाँ हम लोग का हाजिरी होता था यहाँ पर, तो बंद का ही हुआ लॉकडाउन पीरियड में। तो यहाँ पे हाजिरी 15 मई से शुरू किया गया था, 15 मई से लेकर के 7 जून तक इन लोगों का अटेंडेंस चला है। 15 मई से पहले जब लॉकडाउन जो है 23 मार्च से लागू हुआ, उस दौरान इन लोगों का हाजिरी नहीं बन रहा था, तो 15 मई के बाद से हाजिरी बनना शुरू हुआ, उसके बाद 7 जून को फिर से खत्म कर दिया गया। तो इसमें देखिए हम यूनियन का तरफ से हम इस चीज को बातचीत किया था, तब स्ट्राइक नहीं हुआ, ठीक है, स्ट्राइक नहीं होने का पहले हम लोग यहाँ पर जो संयुक्त मोर्चा है उसमें ऑल यूनियन मूव करता है, ठीक है, तो वही सब लेके हम लोग 3-4 नेता गया था जीएम ऑफिस में, वो फोन लगा दिया था जीएम पी एंड ए को बोला जो हाँ लॉकडाउन पीरियड में अटेंडेंस या स्पेशल लीव तो देना है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अभी जो मजदूरों का हाल है, तो मजदूरों की जो मजदूरी है और जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार से होगी? अभी जो हाल है, अभी इन लोग का जो मांग हमको बोला जो 30 तारीख तक लॉकडाउन चल रहा, 30 तारीख तक जैसे यहाँ पर हाजिरी बनता है वैसे ही अगर बनेगा तो हम लोग का ठीक है, और अगर उन लोग जो 2-3 रोज बाद हो गया वो भी कर देगा और 30 तारीख तक वो एक्सटेंशन कर देगा और हम लोग को लिख के दे देगा, तो हम लोग और विक्षोभ नहीं दिखाएंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम है गणेश घोष।